नमस्कार, जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना को लेकर लोगों को किया सचेत, बोले पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ कोरोना, दिशा निर्देशों का करें पालन। यूरोप के 3 देशों की यात्रा के दौरान डेनमार्क पहुंचे पीएम मोदी, डेनिश प्रधानमंत्री ने किया स्वागत, भारत नॉर्डिक सम्मेलन में लेंगे भाग। पीएम मोदी मैक्रों की मुलाकात से पहले फ्रांस का बड़ा फैसला, पनडुब्बियों के लिए भारत के प्रोजेक्ट से खुद को किया बाहर। गृहमंत्री शाह ने संत बसवेश्वर की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि, कर्नाटक चुनाव से पहले लिंगायत समाज में पकड़ बनाने की कवायद। जोधपुर में फिर हिंसक झड़प के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू, भाजपा विधायक सूर्यकांत व्यास के घर के बाहर फूंकी बाइक। सीएम गहलोत ने अपने जन्मदिन के सभी कार्यक्रम किए रद्द, जोधपुर बवाल को लेकर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। गहलोत सरकार ने जोधपुर हिंसा के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, मंत्री खाचरियावास बोले नियंत्रण में है स्थिति, सुरक्षा बल तैनात। जोधपुर बवाल पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, का एक सनकी साजिश के तहत हो रहा है ये सब। जोधपुर की घटना को लेकर भाजपा ने गहलोत सरकार पर बोला हमला, राजवर्धन राठौर ने कहा कांग्रेस राज में औरंगजेबी मानसिकता हावी। राज ठाकरे पर 2008 के एक मामले में जारी हुआ गैर जमानती वारंट, अदालत ने मनसे प्रमुख को जल्द गिरफ्तार करने का दिया निर्देश। ईद की नमाज के बाद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बिगड़े हालात, प्रदर्शनकारियों ने सेना पर फेंके पत्थर, आजाद कश्मीर के लगाए नारे। डीआरडीओ ने एडवांस टोल आर्टरी गन सिस्टम का किया परीक्षण, तोप को भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने मिलकर बनाया। अब वायनाड में राहुल गांधी को टक्कर देने की तैयारी में स्मृति ईरानी, विभिन्न बैठकों में लेंगी हिस्सा, आदिवासी बस्तियों का करेंगी दौरा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लक्षद्वीप प्रशासन को जारी किया नोटिस, मिड डे मील में मांसाहारी भोजन शामिल करने का दिया निर्देश। आदेश गुप्ता ने ध्वनि प्रदूषण से हाई ब्लड प्रेशर का बताया खतरा, का दिल्ली की केजरीवाल सरकार नहीं हटा रही है लाउडस्पीकर। चुनावी रणनीतिकार पीके ने कांग्रेस के साथ बैठक कर किया खुलासा, पीएम मोदी को हराने के लिए नहीं थी 600 पन्नों की स्लाइड। यूपी के कासगंज की पटियाली में हुआ भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और टेम्पो की टक्कर में 7 लोगों की गई जान। संसद की सबसे प्रमुख लोक लेखा समिति का किया गया पुनर्गठन, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी एक बार फिर होंगे अध्यक्ष। दक्षिण कोरिया 15 अरब रुपए में बना रहा है पानी में तैरता शहर, 15.5 एकड़ के क्षेत्रफल में 12,000 लोगों के रहने की होगी जगह। भड़के कुमार विश्वास ने केजरीवाल को बताया अहंकारी का, देखते हैं 13 दशहरा कब तक टालता है रावण। नेपाल के मशहूर पब में दिखे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चीन की राजदूत के साथ पार्टी एंजॉय करते वीडियो वायरल। नाइट क्लब वाले अमित मालवीय के ट्वीट पर कांग्रेस का जवाब, सुरजेवाला बोले किसी की शादी में शामिल होना अपराध नहीं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद पर डीजीपी की 2 टूक, किसी को नहीं बख्शेंगे, राज ठाकरे पर पुलिस करेगी कार्रवाई। अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को खत्म करने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट पलटेगी 50 साल पुराना फैसला, प्रदर्शन शुरू। बिजली संयंत्रों को कोयला सप्लाई करना रेलवे की प्राथमिकता, मालगाड़ियों की कमी से नमक संकट का बड़ा खतरा। उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी का पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत, पैतृक गांव पंचूर में जश्न का माहौल, योगी को सुनने उमड़ी भीड़। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा, सीएम धामी बोले देवी देवताओं के आशीर्वाद से ऐतिहासिक होगी यात्रा। अब स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं 4 धाम यात्रा का पंजीकरण, फोन ऐप के अलावा टोल फ्री नंबर पर मिलेगी पूरी जानकारी। ईद पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने एक दूसरे को बांटी मिठाइयां, महा उपनिरीक्षक संधु बोले शांतिपूर्ण माहौल बनाने में बीएसएफ रही आगे। बिहार में इंटरनेट पर यौन ब्लैकमेलिंग के मामलों में बढ़ोतरी, फर्जी सिम कार्ड के खिलाफ अभियान शुरू करेगी पुलिस। मध्य प्रदेश विधानसभा में गोविंद सिंह बने नेता, प्रतिपक्ष कमलनाथ ने एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत दिया था इस्तीफा। जहांगीरपुरी इलाके में हिंदुओं मुसलमानों ने मिलकर मनाई ईद, स्थानीय लोगों ने तैनात सुरक्षा कर्मियों को बांटी मिठाइयां। औरंगाबाद में सर्जरी से पहले आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य, कलेक्टर ने फैसले के पीछे कारण बताने से किया इनकार। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर लगाया आरोप, बोले महंगाई से ध्यान हटाने के लिए लाउडस्पीकर मामलों को दे रही है तूल। खरगोन प्रशासन ने स्थानीय लोगों को कर्फ्यू में नहीं दी ढील, नागरिकों ने घरों में ही मनाई ईद और अक्षय तृतीया का त्यौहार। भारत अमेरिका के सहयोग से फिजी में बना बच्चों का अस्पताल, आधुनिक अस्पताल में हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों को मिलेगा मुफ्त इलाज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार, बोले जातिवाद और तुष्टिकरण का पर्याय है सपा का राजनीतिक चरित्र। भारत में 2047 तक देश का हरेक बच्चा होगा सुरक्षित और शिक्षित, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने जताया विश्वास। नोएडा प्राधिकरण ने कंपनी पर लगाया 75 लाख का जुर्माना, समय सीमा के अंदर काम पूरा न होने पर की कार्रवाई। अप्रैल में लगभग 25% बढ़ा भारत की वस्तुओं का निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उत्पादों ने $38 अरब का छुआ आंकड़ा।
कान फिल्म महोत्सव में सम्मानित देश के रूप में शामिल होगा भारत। सत्यजीत रे की दुर्लभ फिल्म प्रतिद्वंदी को महोत्सव में किया जाएगा प्रदर्शित। संबल में ईद की नमाज से लौटते वक्त फायरिंग और पथराव, प्रधानी की रंजिश में हुई घटना, 4 घायलों में एक की हालत गंभीर। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने का डिजाइन तैयार, पुरानी बिल्डिंग में बदलाव कर बनाई जाएगी 3 मंजिला इमारत। पंजाब में आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने किया दावा। बिना नाम लिए शिवपाल यादव ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। 3000 एकड़ में परियोजनाएं बनाएगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का किया जाएगा निर्माण। बिजनौर में डॉक्टर पंकज भारद्वाज ने 2 पुस्तकों का किया विमोचन, साहित्य लोक पब्लिक इमोशन के तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम। बुलंदशहर ईदगाह में ईद की नमाज से मांगी अमन चैन की दुआ, शिकारपुर में मनाई गई परशुराम जयंती, SDM ने किया माल्यार्पण। कन्नौज में शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई ईद की नमाज, सड़कों पर नमाज अदा न करने के फरमान से मस्जिदों में रही भीड़। कन्नौज में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भगवान परशुराम जयंती, ब्राह्मण समाज के लोगों ने दीप जलाकर किया हवन पूजन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।